पीछे साइड अंडरग्राउंड एक 5 फीट की जिसके अंदर बुद्ध के अवशेष अस्थियां रखे गए। इसका नाम सारनाथ। सारनाथ का ये जो मंदिर देख रहे हैं पूरे एरिया का मेन टेम्पल है। ये महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध जी का मेन टेम्पल है। देखिए इनके द्वारा टेम्पल को बिल्ड किया गया। ये रहने वाले श्रीलंका के मॉन्क थे अनागारिका धर्मपाल जी। इनके द्वारा मंदिर को 1931 में बनाया गया, सन 1931 में। यहाँ से 30 किलोमीटर पीछे साइड आपका मिर्जापुर साइड जो पहाड़ी इलाका पड़ता है, यहाँ से पत्थर ला करके टेम्पल को बिल्ड किया गया पूरा रेड। अच्छा, तो ये मेन मंदिर है। अच्छा, और टेंपल के अंदर आप एंट्री करेंगे दर्शन के लिए तो अंदर दोनों साइड दीवारों पे बुद्ध के लाइव पेंटिंग, वॉल पेंटिंग देखने को मिलेगा, जो बुद्ध के जीवन से लेके मृत्यु तक के किए गए, जो जापानीज के कलाकारों ने 4 इयर्स में किया। 4 साल लग गए थे उनको पूरा वॉल पेंटिंग करने में। और जो मंदिर के अंदर महात्मा बुद्ध जी का स्टेचू है वो एक मुद्रा में बैठे हुए हैं, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में। इस मुद्रा में बैठ करके धर्म का पहला ज्ञान, पहला जो प्रवचन है, यहाँ 5 शिष्यों को दिए थे। अच्छा, मतलब वहाँ से उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बोध गया, और उसके बाद वो यहाँ के 5 शिष्यों को दिए थे उसी मुद्रा में, जो मंदिर के अंदर स्टेचू देखेंगे। अच्छा, उसी मुद्रा में बैठ कर दिया था। अच्छा, जिस मुद्रा में ज्ञान दिए थे बैठ करके, उसी मुद्रा में सारनाथ में स्थापित किए गए स्टेचू बना करके। स्टेचू के पीछे साइड किसी को जाने को नहीं मिलता। पीछे साइड अंडरग्राउंड एक 5 फीट की जिसके अंदर बुद्ध के अवशेष अस्थियां रखे गए। अस्थि में छोटे हड्डी और राख है, और उसी अस्थियों को देखने के लिए आल कंट्री के लोग कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली के दिन नवम्बर में आते हैं लोग, और वो दिखाया जाता है। हर एक देश के लोग आते, कोई ऐसी देश नहीं छूटता है। तो लास्ट बात है, सारनाथ प्लेस बहुत के तीसरा स्थान माने जाते हैं, थर्ड प्लेस है बहुत के आल प्लेस में से। उनके मुख्य 4 इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। पहला प्लेस है जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु, जहाँ जन्म हुआ। सेकंड प्लेस बौद्ध गया बिहार, जहाँ उनको ज्ञान के नीचे, और उसी ज्ञान को प्रथम ज्ञान यहाँ दिए थे 5 शिष्यों के, इसलिए तीसरा स्थान माने जाते हैं। ज्ञान देने के बाद वो कुशीनगर गोरखपुर के निकल करके अपने शरीर का त्याग किए, महापरिनिर्वाण कुशीनगर गोरखपुर लास्ट प्लेस उनका है। और 4 ये मुख्य प्लेस है जिसके बारे में बताए मंदिर के अंदर। अशोक सम्राट जी के बच्चे के द्वारा, संगमित्र और महेंद्र जी के द्वारा, और तीसरा भी जनरेशन है जो श्रीलंका के मॉन्क जो मंदिर को बनाए हुए थे, उन्होंने 1932 में श्रीलंका से एक सैपलिंग इस सामने उन्होंने लगाया है। अच्छा। पीपल ट्री बहुत गया का ही, पीपल ट्री का जनरेशन तीसरा सैपलिंग। अच्छा, वहाँ से लाकर। हाँ, तो प्रथम ज्ञान महात्मा बुद्ध देखिए वो सामने दे रहे हैं, स्थान जो है पीछे है जहाँ ज्ञान दिए थे। ये मॉडल आप देखेंगे, एक ये मॉडल शो किया गया है भगवान बुद्ध का, जब उन्होंने इसी मुद्रा में बैठकर ज्ञान दिया था। तो ये इस तरह बैठे थे, बिल्कुल इसी मुद्रा में उन्होंने यहाँ पर ज्ञान दिया। और ये जो पेड़ देख रहे हो आप, जैसे भैया ने बताया मुझे, ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ वही पीपल का पेड़ है जो बुद्ध गया से लाया गया उसका सैंपल, और यहाँ पर लगाया गया। यही का मॉडल आप दीदी देखी मंदिर के पीछे जो पीपल ट्री के नीचे 5 शिष्यों का। हाँ। मॉडल ऐसे ज्ञान बैठा कर यहाँ दिए थे इस जगे। इसी जगह पे दिए थे मॉडल, उधर है। हाँ, और इस जगह पे उन्होंने ज्ञान दिया जो था। बर्मा के लोग कल्पना करके वो मॉडल को बना दिए, उधर बर्मा के लोग थे बनाने वाले। अच्छा, यहाँ सारनाथ में मुख्य 4 चीज देखने को है। ये 3 चीज आपको मैं दिखा दिया। लास्ट 10 बजे खुलते हैं, जो अपने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, 4 शेर वाले अशोक स्तंभ है, वो आपका म्यूजियम संग्रहालय के अंदर सेव रखा गया है। उसके अंदर ऑनलाइन टिकट 5 रुपए से अंदर भी जाएंगे तो उसको टच नहीं कर पाएंगे, दूर से ही देखेंगे। अच्छा, भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ और अशोक चक्र भी जो आइए देखते। और ए वाले का कितना बताया आपने? और वो जो उसमें रखा हुआ है वो उनके प्राइस कितने हैं? 550 वो वाले जो हैं।
ये वाले ना वाइट है, ये सारे छोटे छोटे, और ये जो हैंड में वो कितने का? ये वाले हाँ साढ़े तीन सौ। था चाइनीज मंदिर जो मैंने इसको भी देख लिया, बाकी जहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया था, मतलब जिन्हें बताई थी वो भी देख लिया हमने, जहाँ उन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था। और एक ये चाइनीज मंदिर है, और मैंने वो स्टैचू खरीद ली, अच्छा दिया अंकल ने, सही प्राइस में दिया मेरे को। तो अभी मैं आगे जाता हूँ, एक और जापानीज मंदिर है,